शताब्दी के समय भारत उपमहाद्वीप में बेहद तनाव का वातावरण था। 300 साल लंबा मुगल साम्राज्य खत्म हो चुका था और मराठा संघ भी महाजी और पेशवा माधवराव के बाद बिखरना शुरू हो गया। उत्तरी भारत में अब 4 मुख्य ताकतों का वर्चस्व बन सकता था, सिख संघ, अफगान, मुगलों के नवाब जो अब अलग अलग होके अपने आप को स्वतंत्र कर चुके थे, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी। इतने उथल पुथल वातावरण में शासन करना बेहद कठिन था, क्योंकि किसी के साथ कोई नहीं था, सभी को अपना वर्चस्व बनाना था। इस संघर्ष के दौरान 1801 में सिख साम्राज्य के पहले महाराज रणजीत सिंह सभी मुस्लिमों को जोड़कर सबसे आगे निकल गए। महाराजा रणजीत सिंह की 2 खूबियां थी, रण कौशल में निडरता और आदमी परखने की पहचान। और ऐसे ही कुछ हुआ सन 1804 में, जब 14 साल के हरि सिंह महाराजा रणजीत सिंह से किसी जमीन के सिलसिले से मिले। हरि सिंह के पिता और दादा दोनों ही रणजीत सिंह के पिता और दादा के लिए कई लड़ाइयां लड़ चुके थे। हरि सिंह से मिलते ही महाराजा रणजीत सिंह ने इन्हें अपने संरक्षण में ले लिया। 1807 हरि सिंह के ऊपर एक शिकार के दौरान एक बाघ ने हमला कर दिया, मगर हरि सिंह नलवा ने बिना किसी की मदद से इस बाघ को अपने हाथों से मार डाला। इस बहादुरी के लिए हरि सिंह को महाराजा रणजीत सिंह ने नलवा का शीर्षक दे दिया और प्यार से उन्हें बाघ मार के नाम से बुलाने लगे। इसके अलावा उन्होंने 17 साल के हरि सिंह नलवा को एक युवा बटालियन देकर उसका सरदार भी बना दिया। उसी साल कुछ समय के पश्चात महाराजा रणजीत सिंह अपनी फौज के साथ अपनी राजधानी लाहौर से काफी दूर राजा संसार चंद की मदद के लिए कांगड़ा किले के पास पहुंच गए। संसार चंद पे नेपाल के गुरखा राजा अमर सिंह थापा ने आक्रमण कर रखा था। इस दूरी का फायदा लाहौर की सीमा से लगते कसूर क्षेत्र के नए नवाब कुतुबुद्दीन ने उठाया और उसने महाराजा रणजीत सिंह को सलाना कर देने से मना कर दिया। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ने एक धर्म का दिलासा देते हुए मुल्तान के नवाब और भवालपुर के नवाब को भी अपने साथ मिला लिया और अपनी सेना को बढ़ाना शुरू कर दिया। ये खबर महाराजा रणजीत सिंह के लिए बेहद खतरनाक थी। महाराजा ने सबसे पहले तो समय प्राप्ति के लिए अपने मंत्री फकीर अजीजुद्दीन को कुतुबुद्दीन से बातचीत करने के लिए भेज दिया और फिर एक घातक हमले के साथ तुरंत नेपाल के अमर सिंह थापा को पीछे खदेड़ दिया। साथ ही साथ उन्होंने अपने सभी सेना नायकों को कसूर के पास जमा होने का संदेश भी दे दिया। बड़े बड़े अनुभवी सेना नायकों के साथ पहली बार इस जंग में हरि सिंह नलवा भी अपनी युवा बटालियन के साथ शामिल हो गए। इस युद्ध में पहले तो किले के बाहर स्थित कसूर की सेना को बाबा फूला सिंह अकाली ने बुरी तरीके से हरा के पीछे खदेड़ दिया और उसके बाद सिखों ने अपने तोपखानों का प्रयोग करते हुए किले पे गोलाबारी शुरू कर दी। मगर कसूर की दीवारों को गिराना आसान नहीं था, इसके अलावा इस किले को जल्द से जल्द जीतना था, नहीं तो मुल्तान और भवालपुर के नवाब कसूर की मदद के लिए आ सकते थे। महाराजा ने सुरंग खोद बारूद से किले की दीवार को गिराने का फैसला बना लिया। ये काम हरि सिंह नलवा के संघ को सौंपा गया। हरि सिंह नलवा के संघ ने बहुत जल्द गुफा खोद बारूद बिछा के कसूर के किले की दीवार को गिरा दिया और सिख फौज अंदर घुस गई। भीषण युद्ध हुआ, मगर नवाब कुतुबुद्दीन अपने एक पंक्ति के साथ किले से निकलने में कामयाब हो गए, मगर हरि सिंह नलवा ने उसका पीछा किया और कसूर से दूर एक युद्ध के पश्चात उसको हरा के उसे अपने महाराज रणजीत सिंह के सामने पेश कर दिया। महाराजा रणजीत सिंह ने नवाब को छोड़ दिया, मगर कसूर को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। इस युद्ध में हरि सिंह नलवा ने बहुत बहादुरी दिखाई, मगर ये तो उनकी सिर्फ शुरुआत थी। हरि सिंह नलवा को फिर सियालकोट जीतने के लिए भेजा गया और 2 दिन के कूच के उपरांत हरि सिंह नलवा ने अपनी जीत का ध्वज जीवान सिंह को हरा के सियालकोट के किले पे लगा दिया। 1813
महमूद शाह दुरानी और महाराजा रंजीत सिंह की कश्मीर पे चढ़ाई के दौरान जीती हुई जमीन के सिलसिले में अनबन हो गई, जिस कारणवश सिखों के दीवान मोखम चंद और हरि सिंह नलवा ने अटोक के किले पे कब्जा कर लिया। दुरानियों के वजीर फतेह खान और दोस्त मोहम्मद खान अपनी फौज के साथ अटोक की तरफ बढ़ पड़े। ये खबर सुनते ही दीवान मोखम चंद ने अपनी सेना को 4 घुड़ सैनिक टुकड़ियों में बांट दिया और अपनी पैदल सेना को चकोर संरचना के तहत अपने तोपखानों को सुरक्षित कर अफगानी शिविर की तरफ चल पड़े। इस जंग के दौरान फतेह खान की सेना की टुकड़ियों को सिख फौज ने आसानी से हरा दिया, मगर दोस्त मोहम्मद खान का घुड़सवार हमला काफी घातक था और सिखों की फौज कमजोर पड़ने लगी। मगर तभी दीवान मोखम चंद ने हरि सिंह नलवा को दोस्त मोहम्मद खान पे हमला करने का आदेश दे दिया। हरि सिंह नलवा की पंक्ति दोस्त मोहम्मद खान पे टूट पड़ी और अफगान सेना पे कहर बसा दिया और उन्हें पीछे हट भागने में मजबूर कर दिया। इस युद्ध के पश्चात महाराजा रंजीत सिंह के पास कोहिनूर का हीरा भी आ गया। 1814 से 1816 हरि सिंह नलवा ने राजौरी, मनकेरा, कानगढ़ और मुजफ्फरगढ़ पे भी विजय प्राप्त कर ली और इन सभी क्षेत्रों को भारी कर देने पे मजबूर कर दिया। 1818 हरि सिंह नलवा को दुरानियों से मुल्तान जीतने के लिए रवाना कर दिया गया। मुल्तान का किला बेहद शक्तिशाली था और दुरानी सेना इसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती थी। लगातार तोपखानों के हमले से भी मुल्तान किले की दीवारें टूट नहीं रही थी और सुरंग खोद बारूद लगाना बार बार दुरानियों के द्वारा विफल किया जा रहा था। समय निकला जा रहा था, जिस वजह से हरि सिंह नलवा ने सीढ़ियों को लेके किले की दीवारों पर चढ़ने का आदेश दे दिया। मगर जब उन्होंने अपने आदमियों को विफल होते देखा तो खुद जोश में वो किले की दीवार की तरफ दौड़ पड़े और सीढ़ी रख दीवार की तरफ बढ़ने लगे। मगर तभी एक जलता हुआ तेल का गोला उनके ऊपर आ गिरा और वो बुरी तरीके से जख्मी हो गए, जिस वजह से महाराजा रंजीत सिंह ने हरि सिंह नलवा की मदद के लिए दीवान चंद और खड़क सिंह को और तोपों और गोलों के साथ मुल्तान के पास भेज दिया। कुछ महीनों के बाद हरि सिंह नलवा के नेतृत्व में फिर सिख फौज ने किले पे गोलाबारी शुरू कर दी और अंत में वो मुल्तान के किले की दीवार को गिराने में कामयाब हो गए और हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह और दीवान चंद मुल्तान के अंदर घुस गए। लड़ाई किले के अंदर भी पूरे दिन चलती रही, मगर अंत में सिख फौज ने मुल्तान को अपने साम्राज्य के अंदर ले लिया। हरि सिंह नलवा वहीं नहीं रुके और उसी साल उन्होंने पेशावर पे धावा बोल बारकजाई पश्तूनों को फिर भारी कर देने में मजबूर कर दिया। 1819 महाराजा रंजीत सिंह, हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह और दीवान चंद ने कश्मीर पे चढ़ाई कर दी। जगह जगह भीषण युद्ध लड़ा गया, मगर अंत में सिख फौज ने कश्मीर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। हरि सिंह नलवा इस युद्ध के उपरांत कश्मीर के राज अध्यक्ष बना दिए गए। वहां से उन्होंने गनगढ़ और घक्कर क्षेत्रों को भी अफगान सेना से जीत लिया। 1822 हरि सिंह नलवा ने दोबारा मनकेरा पे हमला कर इस क्षेत्र को भी सिख साम्राज्य के अधीन कर लिया। 1823 हरि सिंह नलवा ने दुरानियों को हरा के नौशेरा क्षेत्र पे विजय प्राप्त कर ली। 1824 सिरीकोट की लड़ाई में हरि सिंह नलवा की फौज ने अपने से 10 गुना ज्यादा बड़ी अफगान सेना को पीछे हटने में मजबूर कर दिया। 1827 बारकजाई पश्तूनों ने नौशेरा पे हमला कर दिया, मगर हरि सिंह नलवा ने उन्हें वापस पीछे खदेड़ दिया। 1831 हरि सिंह नलवा ने बालाकोट पे आक्रमण कर इस क्षेत्र को भी महाराजा रंजीत सिंह के अधीन ले लिया। 1834 हरि सिंह नलवा ने बिना किसी जंग के पेशावर पे कब्जा कर लिया। कहते हैं कि हरि सिंह नलवा को पेशावर के पास देखते ही पेशावर की सेना ने बिना किसी युद्ध के आत्मसमर्पण कर लिया था। हरि सिंह नलवा ने अपने जीवन काल में 22 लड़ाइयां लड़ी, जिसमें वो कोई भी जंग नहीं हारे। महाराजा रंजीत सिंह के विस्तार में इनके इस बहादुर सेना नायक की प्रमुख भूमिका रही है। सिख साम्राज्य अब बेहद शक्तिशाली बन चुका था और उन्होंने अफगानियों से पंजाब, मुल्तान, कश्मीर, दराजत, हजारा, बालाकोट, अटोक, पेशावर और जमरूद छीन लिया था।
ये सभी क्षेत्र अब महाराजा रंजीत सिंह के अंदर थे और इन सभी सफलताओं के पीछे उनके मुख्य कमांडर हरि सिंह नलवा थे। इस वजह से अफगानी और सिखों के बीच 36 का आंकड़ा बना हुआ था और अफगानिस्तान के बादशाह दोस्त मोहम्मद खान, जो 1813 में अटोक की लड़ाई में हरि सिंह नलवा से हार चुके थे, किसी भी तरीके से अपना वर्चस्व वापस पंजाब क्षेत्र में फिर लाना चाहते थे। 1837 महाराजा रंजीत सिंह के पोते की शादी की वजह से ज्यादातर सिख फौज अमृतसर पहुंची हुई थी। इस बात का फायदा उठाते हुए दोस्त मोहम्मद खान ने पेशावर पे अपना दबदबा बनाने के लिए सिखों के जमरूर क्षेत्र के किले पे आक्रमण कर दिया। मगर दोस्त मोहम्मद खान ने अपनी फौज को खास तौर पे पेशावर के किले पे, जो हरि सिंह नलवा के अधीन था, उस पे आक्रमण करने से मना कर रखा था। मगर हरि सिंह नलवा को जैसे ही जमरूद के किले पे अफगान फौज के कूच की खबर आई, वो अपने जमरूद किले पे तैनात 600 फौजियों को बचाने के लिए अपने से 10 गुना बड़ी अफगान सेना से लड़ने के लिए पहुंच गए। हरि सिंह नलवा युद्ध में इतनी बहादुरी से लड़े कि अफगान फौज में त्राही त्राही मच गई और अफगान फौज पीछे हटना शुरू हो गई। मगर इस युद्ध में हरि सिंह नलवा भी बुरी तरीके से घायल हो गए और उनके साथी उन्हें किले के अंदर ले गए। हरि सिंह नलवा को पता था कि वो अब बचेंगे नहीं, मगर उन्होंने इस खबर को गुप्त रखने का आदेश दे दिया और अपने आदमियों को निर्देश दिया कि उनके मरने के बाद उनके शरीर को वो किले की दीवार पे इस तरीके से खड़ा कर दें कि अफगान फौज को लगे कि वो अभी भी जिंदा है। उस शाम अफगान फौज फिर इकट्ठा होकर जमरूद किले के पास पहुंच गई, मगर हरि सिंह नलवा के मृत शरीर को जिंदा हरि सिंह नलवा समझ के अफगान फौज का मनोबल पूरी तरीके से टूट गया और वो वापस अपने क्षेत्र में चले गए और हरि सिंह नलवा वीर गति को प्राप्त होने के बावजूद भी अपनी आखिरी लड़ाई जीत गए।